आँखों में बसा कर खातिरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कहे। दोस्तों, काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। काजोल दिवंगत निर्माता निर्देशक सोमो मुखर्जी और पूर्व अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजोल की एक बहन है जिसका नाम तनिषा मुखर्जी है, वह भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय है। काजोल दिवंगत एक्ट्रेस नूतन की भांजी भी है। इतना ही नहीं, काजोल के नाना नानी भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहे हैं। काजोल का पूरा पैतृक परिवार बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उनके पिता के भाई जॉय और देव मुखर्जी भारतीय फिल्म अभिनेता थे। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेखुदी थी। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन आलोचकों को उनका अभिनय बेहद पसंद आया। इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई। बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर। इस फिल्म में इनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थी। काजोल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म में लोगों को शाहरुख और काजोल की जोड़ी बेहद पसंद आई। दोस्तों, साल 1995 में काजोल की दो फिल्में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बैक टू बैक हिट हुई। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया, वो क्यों जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए काजोल को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। काजोल ने अपने बॉलीवुड करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, उन्हीं में शामिल है फिल्म गुप्त। इस फिल्म में काजोल एक नकारात्मक किरदार में नजर आई थी। उनके इस किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया। इतना ही नहीं, उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट इन नेगेटिव रोल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। काजोल की शादी अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। जिस समय काजोल की शादी हुई उस समय वह बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस में शुमार थी। आलोचकों ने काजोल के शादी के इस फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। शादी के बाद उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। काजोल के दो बच्चे हैं, न्यासा देवगन और युग देवगन। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री काजोल कैसी लगती है? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।